चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 9। आज देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तराखंड से जुड़े हुए, प्रमुख स्थानों से जुड़े हुए ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, गौरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में कई सारी गुफाएं हैं, उनमें से जो गौरी गुफा है वो है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस ताल के समीप झूला मेला लगता है? तो कुछ ताल हैं जिनमें से एक ताल ऐसा भी है जिसके पास में एक मेला लगता है, झूला मेला। तो सही आंसर है श्यामला ताल। श्यामला ताल चंपावत में है और इसके तट पर एक मेला लगता है, वो है झूला मेला। अगला प्रश्न, गुजरदेव का देवालय किस मंदिर समूह का हिस्सा है? जो गुजरदेव देवालय है वो एक मंदिर समूह का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। अल्मोड़ा के द्वाराहाट मंदिर समूह का हिस्सा है गुजरदेव का मंदिर। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर गोलू का मंदिर है? तो कुमाऊँ में कई स्थानों पर गोलू के मंदिर है। गोलू का सबसे फेमस मंदिर है चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा में, लेकिन अन्य किन स्थानों पर गोलू का मंदिर है? तो इसका सही आंसर है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल नैनीताल में भी गोलू का एक भव्य मंदिर है। अगला प्रश्न, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, इसका सही आंसर है चंपावत। छिपला केदार मंदिर कहाँ स्थित है? तो छिपला केदार को केदार के समान माना जाता है एक राज्य एक जिले में, तो वो जिला है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, वशिष्ठी गुफा किस जिले किस जनपद में स्थित है? तो गुफाओं से गुफाओं की बात मैंने की थी कि बहुत सारी गुफाएं पूछी जाती हैं, तो उनमें से एक वशिष्ठी गुफा जो है टिहरी जनपद में। अगला प्रश्न, जानवी नौला किस जनपद में स्थित है? तो नौला आपको पता होगा जल प्रबंधन की एक तकनीक होती थी पुराने ज़माने में, तो जो जानवी नौला है वो एक पवित्र नौला माना जाता है पिथौरागढ़ में, गंगोलीहाट में ही है। अगला प्रश्न, जयंती देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जयंती देवी जो मंदिर है जिसे हम ध्वज मंदिर भी कहते हैं, ये है हमारा अल्मोड़ा में। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नैना पीक। अगला प्रश्न, पांडुस्थल नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो जो पांडुस्थल नामक स्थान है हमारा वो है बागेश्वर में। अगला प्रश्न, लैंड्स एंड नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो लैंड्स एंड नामक जो स्थान है वो है हमारा नैनीताल में। अगला प्रश्न, काठगोदाम रेल लाइन किस वर्ष पहुंची? तो काठगोदाम में जो रेल लाइन पहुंची वो किस वर्ष पहुंची? तो 1882 में, जबकि रेल लाइन जो यहाँ स्टेशन कब बना तो वो था 1884 में, इसको जोड़ा गया था ट्रेन से, पर यहाँ रेल लाइन पहुँच गई थी 1882 में। अगला प्रश्न, पुष्टि देवी मंदिर किस मंदिर समूह का हिस्सा है? तो पुष्टि देवी जो मंदिर है एक प्रसिद्ध मंदिर है कुमाऊँ का, और यह है जागेश्वर मंदिर समूह का हिस्सा। जागेश्वर जाड़ गंगा के तट पर 124 मंदिरों का एक समूह है। अगला प्रश्न, अटरिया देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अटरिया देवी मंदिर जो है वो है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न, लंदन फोर्ट किला किस जिले में स्थित है? तो लंदन फोर्ट किला जो है इसे हम जानते हैं पहले से सिमलगढ़ किला भी कहते थे, अब इसका नाम सौरगढ़ हो गया है, तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न, ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, कोट भ्रामरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कोट भ्रामरी देवी जो चंदों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो वो थी बागेश्वर में। अगला प्रश्न, किस ताल को कमल ताल भी कहते हैं? तो इनमें से एक ताल ऐसा है जिसको कमल ताल भी कहते हैं, और इसका कारण यह है कि यहाँ बहुत अधिक कमल खिलते हैं, तो नल ताल जो हमारे नैनीताल में है इसको कहते हैं हम कमल ताल। अगला प्रश्न, किस स्थान का प्राचीन नाम शाहजफर था? तो शाहजफर जो प्राचीन नाम था वो था जसपुर का, और मैंने एक प्रश्न बीच में गलत बताया जो था जयंती देवी मंदिर ध्वज मंदिर, ये है पिथौरागढ़ में। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन वही है, जयंती देवी मंदिर जो ध्वज मंदिर जिसे हम कहते हैं, यह पिथौरागढ़ में।